चने से जुड़ी बड़ी खबरें। लिवाली बढ़ने से चालू सप्ताह के दौरान चने की कीमतों में तेजी का रुख रहा। सप्ताह के अंत में सरकार द्वारा पीली मटर की आयात अवधि एक माह बढ़ाकर 30 अप्रैल 2024 की गई। मटर की आयात अवधि बढ़ने से सप्ताह के अंत में चने में खरीदारी सुस्त रही, जिससे कीमतों में कुछ नरमी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में चने की फसल काफी कमजोर देखने को मिली। कमजोर फसल को देख चना में दाल मिलर्स और स्टॉकिस्टों की सक्रियता बढ़ने लगी, जिससे चना की बढ़ती कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। जब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्पादक मंडियों में चने की आवक का दबाव नहीं बढ़ता, तब तक चना की कीमतों में और बढ़त देखने को मिल सकती है। दाल मिलर्स की मांग मजबूत बनी रहने से दिल्ली चना की कीमतों में इस सप्ताह 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के साथ भाव सप्ताह के अंत में मध्य प्रदेश लाइन 6250 रुपए और राजस्थान लाइन 6275 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। लिवाली सुस्त पड़ने से चालू सप्ताह के दौरान आयातित चना की कीमतों में 50 से 75 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी देखने को मिली और इस नरमी के साथ भाव सप्ताह के अंत में 5900 से 5925 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। खरीदारी सुस्त पड़ने से चालू सप्ताह के दौरान राजस्थान चना की कीमतों में 50 से 75 रुपए क्विंटल की घटबढ़ देखने को मिली और इस घटबढ़ के साथ भाव सप्ताह के अंत में जोधपुर 4700 से 5500 रुपए और जयपुर 6300 से 6325 रुपए, बीकानेर 6100 रुपए व किशनगढ़ 5000 से 5700 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करते दिखाई दिए। उत्पादक मंडियों में नए चने की आवक शुरू हो गई है और पुराने चना की स्टॉक न के बराबर उपलब्ध है। उपलब्धता कमजोर पड़ने और दाल मिलर्स की खरीदारी बेहतर बनी रहने से इस सप्ताह महाराष्ट्र में चने की कीमतों में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार दर्ज किया गया और इस सुधार के साथ भाव सप्ताह के अंत में सोलापुर 5800 से 6800 रुपए, लातूर 6250 से 6450 रुपए, अकोला 5950 से 6000 रुपए, नागपुर 5900 रुपए, उदगीर 5800 से 6200 रुपए और जलगांव 6050 से 6380 और अहमदनगर 6000 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। उपलब्धता कमजोर पड़ने और मांग मजबूत होने से इस सप्ताह मध्य प्रदेश में चना की कीमतों में 75 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस बढ़ोतरी के साथ भाव सप्ताह के अंत में अशोकनगर 5600 से 5750 रुपए, बीना 5700 से 5800 रुपए, गंज बासोदा 5400 से 5800 रुपए, कटनी 6125 से 6200 रुपए और इंदौर 6000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। उत्पादक मंडियों में आवक का दबाव न बन पाने, स्टॉकिस्टों व दाल मिलर्स की मांग मजबूत बनी रहने से चालू सप्ताह के दौरान कर्नाटक चना की कीमतों में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई और इस तेजी के साथ भाव सप्ताह के अंत में गुलबर्गा 6200 से 6521 रुपए, बिदूर 5611 से 6731 रुपए, गदग 6517 से 6800 रुपए व हुबली 6317 से 6717 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। चौतरफा तेजी के सपोर्ट व ग्राहकी बेहतर होने से चालू सप्ताह के दौरान कानपुर में चना की कीमतों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई और इस तेजी के साथ भाव सप्ताह के अंत में 6300 से 6350 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए और इसी प्रकार रायपुर चने में भी इस सप्ताह 50 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार देखा गया और इस सुधार के साथ भाव सप्ताह के अंत में 6050 से 6100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। मांग सुस्त बनी रहने से चालू सप्ताह के दौरान चना दाल की कीमतों में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी दर्ज की गई है और इस नरमी के साथ भाव सप्ताह के अंत में दिल्ली में 7150 से 7425 रुपए, भाटापारा 6675 रुपए, कटनी 7200 रुपए और गुलबर्गा 7500 से 7700 रुपए, जलगांव 7100 रुपए, इंदौर 7000 से 7200 रुपए और कानपुर 7000 से 7100 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करते दिखाई दिए हैं।